गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब जब ऑर्गेनिज्म में यंग वंस प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी कि द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? मतलब व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन जो है अपनी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के लिए कंटिन्यूटी बने रहे उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सपोज डेट मान लीजिए कि किसी भी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि आम का पौधा है और उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो, मतलब नए पौधे आम का नहीं लगे, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आम का पौधा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? समाप्त होने लगेंगे और उसकी जो स्पीसीज है वह भी समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लेते हैं कि काऊ को ले लीजिए, काऊ में यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो नहीं होगा तो क्या होगा? वो 10-12 साल 15 साल के बाद एक भी गाय दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उसकी स्पीसीज क्या हो गई? खत्म हो गई, है ही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ नहीं। रिप्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण ही नहीं हुआ। जब न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं हुआ तो उसकी स्पीसीज रहेगी कैसे? इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है या क्या है। तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। मतलब केवल एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि इसमें मदर और फादर मतलब दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। मतलब यदि प्लांट में होता है तो प्लांट में होगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सीड के द्वारा होता है। ओके, इस प्रकार से यदि इन एनिमल में हुआ तो एनिमल में रिप्रोडक्शन यदि होता है तो गैमेट्स का मिलना नहीं होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में नहीं मिलते हैं। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स आपस में नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्स गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि बॉथ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेक्स गैमेट्स, सेक्स गैमेट्स के हेल्प से यदि रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाय सीड के द्वारा होता है। यदि सीड के द्वारा होता है तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनिमल में भी, एनिमल में क्या होता है कि मतलब
मदर और फादर मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का इन्वॉल्व जरूरी होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों की आवश्यकता जरूरी है। अब आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है। ओके, ये मतलब इसमें जो है ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है सेक्स गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें सेक्स गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें विदाउट सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें विद द हेल्प ऑफ सीड के द्वारा होता है। इसका एग्जांपल हम लोग जैसे रोज ले लेते हैं, अमीबा ले लेते हैं, पैरामीशियम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ह्यूमन हो जाता है, प्लांट में मैंगो हो गया, मतलब जो सीड के द्वारा होते हैं वे सभी प्लांट और एनिमल्स में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वे सभी होंगे, और साथ साथ जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कई भागों में बांटा गया है, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स क्या क्या होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड होता है फीजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जितने भी टाइप्स हैं इसमें किसी में भी सीड या गैमेट्स का इन्वॉल्व, सेक्स सेल का इन्वॉल्व नहीं होता है। फिजन को दो भागों में बांटा गया है, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को तीन भागों में बांटा गया है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब हम लोग चलते हैं फीजन क्या होता है, व्हाट इज फीजन, फीजन क्या है। तो फीजन में कैसे होता है ये हम लोग को जानना होगा। फीजन क्या होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेन जो होते हैं वे डिवाइड होते हैं टू और मोर पार्ट में, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन होते हैं वे दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है, और डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, तो उसी प्रोसेस को हम फीजन कहते हैं। फिजन का मतलब होता है बिखरना, बिखरना का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म यानी कि पैरेंट डिवाइड होता है टू और मोर तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है बाइनरी फिजन एंड सेकेंड मल्टी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स सेम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, जो पेरेंट्स सेम होता है वह दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे देखिए यह अमीबा है, यह अमीबा दो भागों में, पहले इसके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वह भी डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। डॉटर सेल मतलब डॉटर सेल मीन्स संतति कोशिका, यानी कि संतान कोशिका या ऑफस्प्रिंग। उसी प्रकार से मल्टी फीजन, अब मल्टी फीजन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि मल्टी फीजन में कैसे ब्रेक करता है। तो दूसरा हम लोग लिखते हैं मल्टी फीजन में इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, जब मोर देन डॉटर अधिक दो से अधिक भागों में यदि यही ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टी फ्यूजन होगा। दूसरा जैसे एग्जांपल पैरामीशियम में जो है उनको ऊपर हाफ में भी बढ़ता है, यानी कि मल्टी फ्यूजन भी होता है, बाइनरी फ्यूजन भी होता है और मल्टी फ्यूजन भी होता है। ओके, बडिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस विद द हेल्प ऑफ बड। बड की सहायता से जब ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग का यानी कि अपने ही संतान का उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बडिंग। इसका एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रा। हाइड्रा में यह है बड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट इज बड, बड क्या है, तो बड है ये अन यानी कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब इज ए बड इज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बड। बड इज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म यानी कि हाइड्रा के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर यदि यह बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है और जिसके द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फिर फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं बडिंग। जैसे आप लोग कैक्टस प्लांट देखे हैं, कैक्टस प्लांट में भी इसी प्रकार से बड का फॉर्मेशन होता है और फिर यह पार्ट जो है जैसे यहाँ से एक बड निकला, इसके ऊपर एक बड निकला तो यह भाग क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और जब यह भाग वीक हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर यह ब्रेक हो जाता है और ब्रेक करके न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है, तो इसे हम इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है अगला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर लाइक जैसे बैक्टीरिया या फंगी जो है वह स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं सो देखिए, ये जो है स्पोर है और इसको कहते हैं हाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये बताएंगे हम कि इट इज ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच
ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ स्पोर। मतलब जब स्पोर की सहायता से न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इसका हम लोग राइजोमस भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, राइजोमस होता है। यह जो है वो लैक ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि वाटर और फूड के लैक रहने पर यह कंडीशन होता है। यह अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस, दोनों कंडीशंस में यह रिप्रोडक्शन होता है। आगे हम लोग जो देखेंगे अगला जो है वह है कौन, तो फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, आगे है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टूटना। जैसे आपने कभी स्पाइरोगायरा प्लांट को देखा होगा, तो स्पाइरोगायरा प्लांट क्या होता है, तो ग्रेनिश कलर का, ठीक है, ग्रेनिश कलर का एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है इन वाटर बॉडीज में। मतलब यहाँ एक्वेटिक जो स्पाइरोगायरा है वह एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। यह फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में, कभी आप लोग नदी या तालाब में देखे होंगे एकदम हल्का इस तरह का जो है स्ट्रक्चर्स आप लोग देखे होंगे, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो देखे होंगे आप लोग नदी या तालाब में, यही फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पाइरोगायरा, ठीक है। यह स्पाइरोगायरा या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे मान लेते हैं कि नदी में धार जो जल होता है, पानी होता है, उसके धार से या किसी जानवर या ह्यूमन बीइंग्स के पाँव से लग करके या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, यानी कि ब्रेकअप होता है। जैसे यह जो है स्पाइरोगायरा प्लांट है और यह दो भाग में क्या हुआ, टूट गया, ठीक है ना। यह भाग कितना भाग में टूटा, दो भाग में टूट गया। अब ये जो दोनों भाग जो है ना, ये न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि न्यू प्लांट्स का बॉडी का निर्माण कर लिया, यानी कि न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लिया। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू टू और मोर पार्ट, कोई जरूरी नहीं है ये दो ही पार्ट में ब्रेक होता है, कई भागों में ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। तो जितने भाग में यह टूटेगा उतना भाग जो है न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट जो है अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन में होता है कि एबिलिटी टू आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके बॉडी पार्ट आउटग्रोथ हो जाते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट ग्रो हो जाता है। जैसा कुछ सिंपल सा है, कुछ हायर एनिमल्स जो होते हैं उनमें तो सर्टेन बॉडी पार्ट का ही ग्रोविंग होता है। जैसे आप छिपकली को ले लीजिए, छिपकली का यदि पूछ कट जाता है तो उसका पूछ पुनः नया उगाता है ना। तो उसमें जो रिप्रोडक्शन, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का, उसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। मतलब उसमें क्यों रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सर्टेन बॉडी पार्ट का ही आउटग्रोथ हो पा रहा है। लेकिन कुछ जो लोअर जो होते हैं एनिमल्स, उसमें ग्रोविंग होता है। जैसे प्लेनेरिया है,
प्लेनेरिया है, और यह प्लेनेरिया यदि दो तीन भागों में टूट जाता है तो जितने भाग मान लेते हैं कि ये दो तीन भाग में टूटा है, अब ये तीनों भाग जो है वो आउटग्रोथ कर लेगा यानी कि ग्रो कर जाता है और अनिच इंडिविजुअल्स का न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण हो जाता है। ये प्लेनेरिया है, क्या है? प्लेनेरिया है। इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है यह रिप्रोडक्शन रीजनरेशन कहलाता है। तो रीजनरेशन में क्या होगा कि इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एबिलिटी टू आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट यदि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो यह जो है न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है, तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं क्या? रीजेनरेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लेनेरिया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि द रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट स्टेम्स एंड लीव्स, रूट स्टेम्स और लीव्स के द्वारा यदि न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स? वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वह वेजिटेटिव पार्ट्स होता है रूट होता है, लीव्स रूट होता है, स्टेम्स होता है और लीव्स होता है। रूट स्टेम्स और लीव्स के द्वारा किस प्रकार से पौधे ग्रो करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग स्वीट पोटैटो देखे हैं, स्वीट पोटैटो या डेहिला, उसमें क्या होता है कि रूट के द्वारा न्यू प्लांट्स का निर्माण होता है, तो बाय रूट के द्वारा। उसी तरह से स्टेम्स आपने पोटैटो देखा है, इवन रोज भी देखा है, तो रोज में क्या होता है कि आप लोग एक रोज के प्लांट को स्टेम कटिंग करते हैं, यानी कि स्टेम को छोटे छोटे भागों में काट करके और किसी गमले में लगा देते हैं और फिर आफ्टर समटाइम्स ये न्यू प्लांट्स का ग्रोविंग कर लेते हैं। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन बाय द स्टेम के द्वारा हो गया। शुगर केन में भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्टेम के द्वारा ही होता है। उसी तरह से लीव्स में तो ब्रायोफाइलम में होता है, ब्रायोफाइलम में लीव्स पार्ट्स ही न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि नए ब्रायोफाइलम प्लांट्स का निर्माण होता है, तो उस लीव्स के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोडक्शन का टाइप जो तीन टाइप होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।